Good morning, everyone. Myself, Shika Sharma, assistant teacher of RBL Public School. Student, this video is for standard second subject English, chapter number 14, and the chapter name through the year. Student, this poem is composed by Flora Wilish Batson. Now, I'm going to read this poem. Listen to it carefully. January falls the snow. जनवरी में बर्फ गिरता है फरवरी कोल्ड विंड्स ब्लो। और फरवरी में ठंडी हवाएं चलती हैं। इन मार्च मार्च में पीप आउट द अर्ली फ्लावर्स जो फूल होते हैं वो निकलते हैं वो खिलते हैं एंड अप्रैल कम्स विद सनी शॉवर्स और अप्रैल कम्स अप्रैल क्या लाता है विद सनी शॉवर्स वो बारिश को लेके आता है जो धूप में बारिश होती है उसको लेकर आता है इन मई मई में द रोजेज ब्लूम सो गे जो गुलाब होते हैं वो खिलते हैं और चमकदार होते हैं इन जून द फार्मर मोस हिज हे जून में क्या होता है जून में जो फार्मर होते हैं वो अपने खेतों की घास को काटते हैं इन जुलाई ब्राइटली शाइन द सन जुलाई में सूर्य बहुत तेजी से चमकता है इन अगस्त अगस्त में हार्वेस्ट इज बिगन जो आ, हार्वेस्ट होती है जो फसल होती है वो आना शुरू हो जाती है सेप्टेम्बर द ग्रीन लीव्स ब्राउन जो सितंबर होता है उसमें जो ग्रीन लीव्स होती हैं पत्तियां होती हैं पेड़ों की वो ब्राउन होने लगती हैं उनका कलर बदलने लगता है अक्टूबर विंड्स देन शेक देम डाउन और अक्टूबर में क्या होती है जो उन पत्तियों उन पत्तियों को जो हवा होती है वो हिलाकर नीचे गिरा देती है नवंबर फिल्स ब्लीक एंड स्मेयर जो नवंबर होती है वो उन पत्तियों को धूमिल कर देती है उन पर दाग धब्बे लगा देती है दिसंबर कम्स एंड इंडस द ईयर और दिसंबर में क्या होता है दिसंबर आता है और साल खत्म हो जाता है थैंक यू एंड डे